नमस्कार, प्रणाम। सभी सहारा पीड़ितों एवं जमाकर्ताओं का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में आपके अपने YouTube चैनल इन्फॉर्मेशन विद पीके पर। मैं हूं पिंकू कुमार प्रजापत और आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन विद पीके। जैसा कि सभी सहारा पीड़ित अपने पैसे को लेकर काफ़ी दिनों से परेशान है, उनका पैसा नहीं मिल पा रहा है। ऐसी स्थिति में हम आप सभी के लिए जो आज का वीडियो लेकर के आए हुए हैं, वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट व हेल्पफुल रहने वाला है अगर आपका पैसा सहारा इंडिया के अंतर्गत फंसा हुआ है। पैसा आपका अभी तक नहीं मिला हुआ है, आपने सहारा रिफंड पोर्टल पर अपना आवेदन भी किया है। आवेदन करने के पश्चात जो डेफिशिएंसी कम्युनिकेटेड मैसेज आया हुआ था उससे आप लोग परेशान थे, क्योंकि डेफिशिएंसी कम्युनिकेटेड मैसेज का मतलब यही था कि आपके आवेदन में कुछ न कुछ कमियां निकालकर आपके आवेदन को रिजेक्ट किया गया। ये कमियां और डेफिशिएंसी का मैसेज CRCS के द्वारा भेजा गया, तो सभी निवेशकगण भावुक हो गए इस डेफिशिएंसी को देखकर। लगभग 90% लोगों में डेफिशिएंसी का मैसेज भेजा गया। जब डेफिशिएंसी कम्युनिकेटर का मैसेज भेजा गया तो उनका भुगतान न मिलने के चांस उनको लगने लगे, और भुगतान अभी तक मिला भी नहीं है। इसीलिए तो मैं वीडियो बना रहा हूं। तो आखिर कब आपका भुगतान मिलेगा, इस पर हम थोड़ा चर्चा करने वाले हैं, तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट व हेल्पफुल रहने वाली है। अगर आपका भी पैसा सहारा इंडिया के अंतर्गत या सहारा की चारों सोसाइटियों में से फंसा हुआ है, या कह लें कि देश में ऐसी कई चीट फंड कंपनियां हैं जिनमें आपका पैसा फंसा हुआ है और ऐसी स्थिति है, तो आपके लिए यह वीडियो देखना बेहद इंफॉर्मेटिव है, इम्पोर्टेंट है। तो इससे पहले हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे कुछ रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि कृपया चैनल पर अगर वीडियो पहली बार देख रहे हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें सहारा बंधु, ताकि हमारी आने वाली समस्त वीडियो का नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आपके पास पहुंच सके। तो इसलिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें तथा वीडियो को भी लाइक कर दें। और आपका समय न वेस्ट करते हुए सहारा बंधु, हम सीधे अपनी वीडियो को यहीं से स्टार्ट करते हैं। सहारा बंधु, आप लोगों का पैसा सहारा इंडिया के अंतर्गत काफ़ी दिनों से फंसा हुआ है। ऐसी स्थिति में सहकारिता मंत्री ने कहा है कि सभी निवेशकों का पैसा जल्द से जल्द लौटाया जाए। अब कब हम लोगों का पैसा मिल सकता है, इस पर थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं। और सहारा रिफंड पोर्टल से एक बड़ी अपडेट भी थी जो कि हमने शायद आपको बता दी है। जो भी हमारे नए व्यूअर्स हैं उनको अभी तक नहीं अगर पता भी चला होगा तो कृपया इस अपडेट को ज़रूर सुन लें कि सहारा रिफंड पोर्टल से क्या बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते होंगे, अब की लगभग 10-15 दिन से सहारा रिफंड पोर्टल की ओर से कोई भी नई अपडेट नहीं आ रही थी। जब नई अपडेट नहीं आ रही थी तो आप लोगों को भी वीडियो प्रोवाइड नहीं हो पा रही थी। सहारा रिफंड पोर्टल के अकॉर्डिंग जो अपडेट आई हुई है उस पर मैं चर्चा करने वाला हूं। तो आपको पता होगा कि 25 नवंबर से पोर्टल पर रिसबमिशन करने का ऑप्शन आया था। जो 25 नवंबर 2023 से सहारा रिफंड पोर्टल पर रिसबमिशन करने का ऑप्शन आया था, तो उसमें शायद आप लोगों ने रिसबमिट भी किया होगा अपने आवेदन को। अगर रिसबमिट किया है तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो फिर भी अच्छी बात है। आपने पोर्टल पर क्लेम भी किया होगा। जिन लोगों ने क्लेम किया है और डिपॉजिट अमाउंट 20,000 रुपये से कम राशि है, तो ऐसी स्थिति में इन लोगों के लिए सहारा मुख्यालय के द्वारा सूचियां जारी की जा रही हैं, लिस्ट जारी की जा रही हैं जिन लोगों का डिपॉजिट अमाउंट 20,000 से कम है और सहारा रिफंड पोर्टल पर अपना आवेदन किया है और उनके पास डेफिशिएंसी कम्युनिकेटेड का मैसेज भेजा गया है। और सहारा बंधु, आप सभी को हम बता दें ये भी
कि डेफिशिएंसी कम्युनिकेटर जो मैसेज है, ये कई प्रकार के मैसेज अलग अलग सभी के पास भेजे गए हैं। अलग अलग क्यों भेजे गए हैं? अलग अलग इसलिए भेजे गए हैं, अलग अलग कमियों के द्वारा अलग अलग मैसेज भेजे गए हैं। हमारे पास जो डेफिशिएंसी के मैसेज हैं, डेफिशिएंसी कम्युनिकेटर के प्रकार हैं, वो हमारे पास लिखे हुए रखे हैं। तो एक बार हम आप सभी को समझाना चाहते हैं कि इस प्रकार से आपके पास डेफिशिएंसी कम्युनिकेटेड मैसेज आए हुए हैं, तो आप थोड़ा ध्यानपूर्वक सुनिएगा। नंबर एक, सोसाइटी द्वारा सदस्यता फार्म अपलोड नहीं किया गया है। नंबर एक, सोसाइटी द्वारा सदस्यता फार्म अपलोड नहीं किया गया है। नंबर दो, जमाकर्ता का विवरण सहारा सोसाइटी डेटाबेस में नहीं है। जमाकर्ता का विवरण सहारा सोसाइटी डेटाबेस में नहीं है। नंबर थ्री है, नाम मिसमैच। नंबर फोर है, आधार सीडिंग। नंबर फाइव है, सिग्नेचर मिसमैचिंग। इस प्रकार से अगर आपके पास डेफिशिएंसी कम्युनिकेटर का मैसेज आया हुआ है, जो हमने बताए हैं पांच प्रकार के, तो आपके लिए बड़ी खबर ये है कि आपका जो आप लोगों ने क्लेम किया है, सहारा रिफंड पोर्टल पर अपना आवेदन किया है सफलतापूर्वक, फिर भी आपके पास डेफिशिएंसी कम्युनिकेटर का मैसेज भेजा गया है और साथ ही साथ आपका अमाउंट जो है, डिपॉजिट अमाउंट 20,000 से कम है, तो आपके लिए लिस्ट बनकर तैयार हो रही है और सहारा मुख्यालय के द्वारा ब्रांच को भेजी जा रही है। अब ब्रांच को भेजी जा रही है तो भुगतान तो होगा ही। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं ये 20,000 से कम राशि के जो भी निवेशकगण हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए ये खबर थी। अब बात हम कर रहे हैं सभी निवेशकों की, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनका भी पैसा फंसा हुआ है सहारा इंडिया के अंतर्गत। तो सहारा बंधु, आप भी धैर्यता बनाए रखें, किसी भी टेंशन या तनाव लेने की बात नहीं है, चिंता करने की बात नहीं है, आपका भी पैसा मिलेगा। क्योंकि हो सकता है निम्न से उच्च की ओर क्रम चले, क्योंकि निम्न ये जो छोटे निवेशकगण हैं इनकी संख्या ज़्यादा है। हमने एक महीने पहले कुछ ब्यौरा दिया था निवेशकों की संख्या का, किस प्रकार में कितने निवेशक हैं, 20,000 से कम की राशि में कितने निवेशक हैं और 50,000 से ऊपर 1,00,000 तक के कितने निवेशक हैं और लाखों की संख्या में जिनका डिपॉजिट अमाउंट है उनकी कितनी राशि है, ये सब हमने बताया था। तो हो सकता है कि अभी 20,000 से कम वालों का दिया जाए, फिर उसके बाद में ऊपर वालों का दिया जाएगा। लेकिन हालांकि अभी यही इम्पोर्टेंट खबर थी कि इन लोगों का पैसा या इनकी जो लिस्ट है वो जारी की जा रही है, लिस्ट जारी की जा रही है सहारा मुख्यालय से और ब्रांच को भेजी जा रही है। तो दोस्तों, अगर इस प्रकार से आपके पास डेफिशिएंसी कम्युनिकेटेड का मैसेज आया हुआ है, तो ऐसी स्थिति में आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपका डेफिशिएंसी कम्युनिकेटेड का मैसेज किस प्रकार से आया हुआ है और क्या कमियां दर्शाई गई उस स्टेटस में है या मैसेज में। तो आपका जो लिस्ट है वो ब्रांच को भेजी जा रही है। अभी हालांकि सभी जगह तो नहीं, लेकिन कार्य चल रहा है, 2-4 दिन में संपूर्ण कार्य जो है हो जाएगा। तो सहारा बंधु, हमने ये इन्फॉर्मेशन आप सभी को बताई, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और वीडियो पसंद आई हुई हो तो वीडियो को लाइक कर दें थोड़ा बहुत, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और सहारा बंधु, आप लोगों का जो पैसा फंसा हुआ है इतने दिन से, पैसा मिलने के चांस लग रहे हैं, क्योंकि ये मैं अपनी ओर से कह रहा हूँ, क्योंकि आगे जो चुनाव आ रहा है लोकसभा का, इसमें कुछ इन लोगों को भी वोट बैंक बनाना है। निवेशकगण सभी परेशान नज़र आ रहे हैं, लगातार सीधा कमेंट हमारे पास कर रहे हैं कि भुगतान नहीं तो मतदान नहीं। इसका मतलब है कि निवेशक सब परेशान हैं, क्योंकि भैया जिसका पैसा फंसा होगा वो परेशान ज़रूर होगा। काफ़ी दिनों से पैसा फंसा हुआ है, अपना ही पैसा पाने के लिए इतना झंझट झेलना पड़ रहा है और बहुत ही जोखिम में पड़े हुए हैं। और ऐसी स्थिति में निवेशकों की तो यही मांग थी कि हमारा पैसा ऑफलाइन दिया जाना चाहिए, ऑफिस खोलकर सारा ब्रांचेस खोल कर दिए जाने चाहिए, लेकिन इस पर अभी कोई चर्चा नहीं चल रही है। जैसे ही कोई चर्चा चलेगी तो हम आप सभी को बताएंगे। तो यहीं पर हम अपनी वीडियो को एंड करना चाहेंगे। सहारा बंधु,
वीडियो को थोड़ा लाइक कर दें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।